part of this video series. That is, in this series we are going to discuss about previous year's questions based on reagent chemistry, means oxidizing and reducing agent. Okay, so इसके ऊपर मैंने पूरी सीरीज बनाई है, थ्योरी लेक्चर्स जहाँ पे रिएक्शन डिस्कस की है. तो अभी हम लिख रहे हैं जून 2012 में कौन से क्वेश्चंस आए थे 2 या 4 मार्क के लिए बेस्ड ऑन रिएजेंट केमिस्ट्री. ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो ये क्वेश्चन 2 मार्क के लिए आया था जून 2012 में. 2 मार्क में यहाँ पे देखिए, इट इज़ CF3CO3H, मीन्स इस तरह से बॉन्ड होगा. सो ये पर एसिड है. अभी यहाँ पे पर एसिड है मतलब ये इपॉक्सीडेशन करेगा. ओके, इपॉक्सीडेशन करेगा. अभी इपॉक्सीडेशन कहाँ पे करेगा? अभी यहाँ पे देखिए, दिस मिथाइल इज अबव द प्लेन. तो जनरली क्या रूल होता है, अगर आपका रिएजेंट होता है वो लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करता है, लेस हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा. अगर आपको इतनी थोड़ी स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं पता तो आप थोड़ा सा मीन्स इसमें अजम्पशन करके एडजस्ट कर सकते हैं आंसर को. देखिए, अभी यहाँ पे जो इपॉक्साइड बनेगा, वो बिलो द प्लेन बनेगा. ओके, बिकॉज मिथाइल अबव द प्लेन है. सिंस इट इज़ अबव द प्लेन, और यहाँ पे क्या दिया है, एसिड हाइड्रोलिसिस. अभी हाइड्रोलिसिस अगर आंसर देखे, सब जगह आपको OH मिलेगा. एसिड हाइड्रोलिसिस मीन्स वाटर अटैक करने वाला है, वाटर इज गोइंग टू अटैक. अभी अटैक कहाँ से होगा, ये अटैक आपका SN2 से होगा, मीन्स इसके अपोजिट साइड से होगा. अभी क्वेश्चन, इससे आप 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो, मीन्स यहाँ पे ट्रांस प्रोडक्ट बनने के चांसेस है इसके बाद. तो इससे क्या होगा, आपका बी ऑप्शन चला जाएगा और आपका सी ऑप्शन चला जाएगा. अभी दोनों में ये सिस है, ये भी सिस है, मतलब दोनों OH सिस साइड में, लेकिन प्रोडक्ट में हमको क्या चाहिए, दोनों ट्रांस OH चाहिए. तो इससे आप क्या कर सकते, इसका आपका थोड़ा मीन 50-50 आंसर आपका क्लियर हो जाएगा कि यू हैव ए ऑप्शन और डी ऑप्शन. मीन्स OH यहाँ पे अटैक करेगा कि यहाँ पे अटैक करेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा कि यहाँ पे आएगा. ओके, तो इसके लिए आपको इसके आगे की स्टीरियोकेमिस्ट्री चाहिए. एक्चुअली ये क्या है, ट्रांस डेकलिन है. ओके, डेकलिन है. तो एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके लिए इसको आगे का पार्ट है, आपको स्टीरियोकेमिस्ट्री पता होनी चाहिए. तो इसका जो इपॉक्साइड बनेगा वो इस तरह से इसका इपॉक्साइड बनेगा, और मिथाइल आपका अबव द प्लेन होगा. ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपका, एच प्लस. ओके, एच प्लस होगा यहाँ पे, एसिड हाइड्रोलिसिस मीन्स एच और वाटर की तरह हम इसको ट्रीट करते हैं. तो ऑब्वियसली आपका क्या होगा, यहाँ से लोन पेयर, मैं इसको अभी यहाँ पे बता देता हूँ, इस तरह से होगा एच प्लस बिलो द प्लेन, जो हमने यहाँ पे बताया यही यहाँ पे हमने इसको डिस्कस किया है. ओके, अभी यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है. अभी यहाँ पे जो वाटर आएगा वो कहाँ से आएगा, जो आपका वाटर अटैक करने वाला है वो अटैक करने वाला है यहाँ से. सिंस ये बिलो द प्लेन है, तो आपका जो वाटर अटैक करेगा ये अबव द प्लेन से अटैक करेगा. तो कहाँ पे देखिए, मिथाइल के नियर अटैक कर रहा है, मीन्स मिथाइल के नियर अटैक कर रहा है, और ये SN2 रिएक्शन है. तो सिंस ये OH यहाँ पे चला जाएगा और एक OH ऊपर चला जाएगा और मिथाइल ऊपर आएगा, मीन्स अटैकिंग वाटर इज अबव द प्लेन, एंड दो इपॉक्साइड से जो OH निकला था वो बिलो द प्लेन है, बिलो यानी अबव. लेकिन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, दे आर ट्रांस डायएक्सियल, ट्रांस डायएक्सियल. ओके, तो कहाँ पे देखिए, मिथाइल और OH दोनों सेम साइड पे है. सो करेक्ट आंसर इज डी. ओके, यहाँ पे देखिए, करेक्ट आंसर इज डी, यू हैव दिस टू ऑप्शन. ओके, फर्स्ट में देखिए, इपॉक्साइड आपका बिलो द प्लेन बनेगा. नाउ इपॉक्साइड रिंग विल ओपन इन ट्रांस डायएक्सियल फॉर्म, कंडीशन फॉर SN2. तो आपका वाटर होगा इस पोजीशन से आएगा, यहाँ से अटैक करने के लिए नहीं आ सकता बिकॉज इपॉक्साइड ऑलरेडी बिलो द प्लेन से बना है. तो इसके पास एक ही ऑप्शन है वाटर को अटैक करने के लिए, अबव द प्लेन. जैसे अबव द प्लेन आएगा आपका डायएक्सियल बनेगा, ट्रांस डायएक्सियल. ओके, यू हैव. सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा है, अमोंग द फॉलोइंग द कंपाउंड दैट अंडरगो डी प्रोटेक्शन ईजिली ऑन ट्रीटमेंट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कार्बन टू जनरेट RnH2. मतलब सबके साथ ये रिएक्शन करनी है आपको, H2PDC. ओके, और यहाँ पे भी H2PDC है. तो जनरली अगर इस ग्रुप को आप देखें, इस ग्रुप को, ये ग्रुप होता है आपका CBZ ग्रुप, जिसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं. नाइट्रोजन अमाइन को प्रोटेक्शन करने में इसको बोलते हैं कार्बो बेंजोल ऑक्सी. ओके, बेंजोल ऑक्सी, कार्बो बेंजोल ऑक्सी, सॉरी नॉट बेंजोल ऑक्सी,
बेंजोल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप, बेंजोल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप, कार्बो बेंजोल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप मतलब CBZ, और इसको बोलते हैं BOC, बॉक बुक ग्रुप बोलते हैं। इसका नाम है टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल ग्रुप। ओके, यहाँ पे कार्बोनिल मतलब CO है, ये बेंजिल है, ये बेंजाइल ग्रुप है, ऑक्सी है, कार्बो बेंजोल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप, और ये आपका सिंपल अमाइड है। ओके, तो जनरली जो इसका आंसर होता है, ओके, ये होता है ये वाला आंसर। मीन CBZ के साथ इसका रिएक्शन इजीली होता है। क्यों? जैसे आप इसका डी प्रोटेक्शन करोगे, मीन ब्रेक करोगे, तो जनरली ये किसके लिए यूज़ करते हैं? ओके, PDC के साथ, सॉरी नॉट H2, PDC, ओ सॉरी PDC है, सॉरी H2+ PDC, ये क्या होता है? हेट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड। ओके, हाइड्रोजेनोलिसिस होता है। ओके, इट विल रिजल्ट इन हाइड्रोजेनोलिसिस, हाइड्रोजेनोलिसिस मतलब ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग। तो कौन सा बॉन्ड जनरली ब्रेक करता है? कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन कार्बन भी कभी कभी बॉन्ड ब्रेक करता है। तो जनरली हेटरो आइटम के लिए जनरली ज़्यादा प्रीफर होता है, मतलब कौन सा बॉन्ड ब्रेक करेगा? कार्बन कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन। तो जनरली इसका जो रेट होता है, मीन्स इजिली ये CBZ इजिली प्रोटेक्ट डी प्रोटेक्ट होता है। क्यों? जैसे अगर फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ से डी प्रोटेक्ट करोगे, यहाँ से ब्रेक करोगे, आपको क्या मिलेगा? RNH C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ से PH CH3 मिलेगा। मतलब क्या? आपको टॉलिन मिला। ओके, टॉलिन मिला। इसके बाद इसका ब्रेक करोगे तो यहाँ से आपको अमाइन मिलेगा और CO2 मिलेगा, अमाइन प्लस CO2 मिला। और CO2 क्या? गैस है, और गैस बहुत ईजिली एस्केप हो जाती है, निकल जाती है। तो इससे आपको तीन प्रोडक्ट मिलेंगे जनरली। इसमें एक बात करें, अमाइड में अगर ब्रेक करोगे तो आपको यहाँ से अमाइन और ए वाला ग्रुप मिल जाएगा। ओके, जनरली यहाँ से ग्रुप करेंगे, यहाँ से अगर ब्रेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जनरली बॉक को ब्रेक करोगे तो जनरली आपको सिर्फ अमाइन मिलेगा। ओके, यू विल गेट ओनली अमाइन, और एक आपको साइड प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन इस केस में अगर हम बात करें, यहाँ पे भी अमाइन मिलेगा, और यहाँ पे आपके पास कोई दूसरा ग्रुप नहीं है, तो यहाँ पे CH3 टाइप मिलेगा। लेकिन जो इसकी रिएक्टिविटी होती है, सिंस ये सबसे ज़्यादा होती है, तो करेक्ट आंसर इसका ये होता है। तो याद रखिए, इसमें जनरली इसको प्रोटेक्टिंग ग्रुप की तरह यूज़ करते हैं, BOC भी यूज़ करते हैं, बॉक और CBZ भी यूज़ करते हैं, लेकिन CBZ में आपका CO2 बनता है, तो इसका आंसर आपका ये बन जाता है सेकेंड। ओके, तो यहाँ पे लिखा है हाइड्रोजेनोलिसिस क्लीवेज ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हेटरो आइटम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, द यूजफुलनेस ऑफ बेंजोल ऑक्सी कार्बोनिल ग्रुप इन डीन प्रोटेक्शन रिजल्ट इन इज विच कैन बी रिमूव बाय हाइड्रोजेनोलिसिस ओवर पैलेडियम कैटलिस्ट एंड इंटरमीडिएट कार्बोनिक एसिड डेट कुन लूज कार्बन डाइऑक्साइड टू गिव अमाइन प्रोडक्ट। ओके, अमाइन प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे अगर आप ब्रेक करोगे, यहाँ पे भी अमाइन प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन ये प्रोडक्ट अगर यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा दें CH2, ओके, सो ये जनरली ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू, अगर स्टेबिलिटी वाइज अगर हम बात करें, लेकिन जनरली CBZ को कंसिडर करते हैं, नॉट इस ग्रुप को। ओके, तो करेक्ट आंसर ये होगा इसका। नेक्स्ट कंपाउंड देखते, तो यहाँ पे देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर बी है। तो जनरली अगर आ जाए आपको डी प्रोटेक्शन में, तो आपको CO2 देखना है। जनरली यहाँ पे भी CO2, लेकिन इसको रिकमेंड किया जाता है CBZ ग्रुप को। ओके, ये बस आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया। ओके, तो जनरली डी प्रोटेक्शन के लिए ये ग्रुप जनरली ज़्यादातर यूज़ नहीं होता, आपको ये ग्रुप जनरली मिलता है, बिकॉज यहाँ पे टॉलिन मिलता है एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। या दिस इज़ अ रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट में क्या है? बर्च रिडक्शन दिया है, लिथियम इन लिक्विड अमोनिया फॉलोड बाय इपॉक्सीडेशन, MCPBA इपॉक्सीडेशन। तो यहाँ पे कहाँ पे मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो sp3 करना है उस कार्बन को, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है तो sp2 करना है। तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा? बर्च करने के बाद दोनों भी आपके sp2 करने पड़ोगे, तो यहाँ पे OMe होगा, यहाँ पे OMe होगा। ओके, लिथियम और अमोनिया के साथ, और नेक्स्ट स्टेप में आप इसका MCPBA के साथ ट्रीट करोगे। सीम्स MCPBA इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रिएजेंट है, वो इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक करता है। ओके, तो इसका इपॉक्सीडेशन यहाँ पे होता है। तो करेक्ट आंसर देखिए क्या है, OMe के पास, तो करेक्ट आंसर विल बी सी, OMe के पास इसका इपॉक्सीडेशन होगा। ये भी दिखता है OMe के पास, लेकिन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड माइग्रेट हो गया, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ये भी करेक्ट नहीं है, ये भी करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके, ये देख सकते हैं यहाँ पे इस स्लाइड में मैंने दिखाया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। वाह, ये अच्छा एक एग्जांपल दिया है। ये भी ये 4 मार्कर है, दिस इज अ 4 मार्कर क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट NBS है, और ये क्या है? बेंजोल पेरोक्साइड दिया है। ओके, सी डबल बॉन्ड O, सी डबल बॉन्ड O, PH। ओके, मतलब इसको आप हीट करोगे तो इसमें से क्या निकलेगा? ये पहले बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, आपको 2 बेंजोल पेरोक्साइड मिलेंगे,
और इसको आगे डिकम्पोज होके यहाँ से CO2 निकल जाएगा और आपको दो ये वाले पार्ट मिल जाएंगे, बेंजाइल ग्रुप। ओके, इस तरह से होता है इसका NBS के केस में। तो यहाँ पे क्या होगा, रेडिकल मैकेनिज्म मतलब ब्रोमिनेशन होगा, इट विल डू ब्रोमिनेशन। अभी ब्रोमिनेशन कौन सी पोजिशन का करता है, बेंजाइलिक पोजिशन का। ओके, बेंजाइलिक पोजिशन का ये ब्रोमिनेशन करेगा, मतलब कितने इक्वलेंट है यहाँ पे, एक इक्वलेंट यहाँ पे अटैक करेगा और सेकेंड इक्वलेंट यहाँ पे अटैक करेगा, तो यू विल गेट प्रोडक्ट लाइक दिस CH2Br CH2Br। ये कौन सा प्रोडक्ट है, इसको ए मानता हूँ, ये रिएक्शन फर्स्ट होने के बाद। अब इसके बाद इसका सेकेंड क्या होगा, सेकेंड रिएक्शन क्या होगा, आप यहाँ पे एक्वेस एनएच डाल रहे हो। अभी एक्वेस एनएच क्या करेगा, यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल की तरह आपका अटैक करेगा OH, और इसको एक Br को रिप्लेस कर देगा। मैं थोड़ा यहाँ पे लिखता हूँ। ओके, आपके पास Br है और एक न्यूक्लियोफाइल अटैक करने का OH बन जाएगा। तो सिंस आपके सोल्यूशन में बेस है, तो बेस क्या करेगा, इस न्यूक्लियोफाइल को रिमूव कर लेगा और आपके पास इस तरह से कुछ स्पीशीज बन जाएगी, ओ नेगेटिव। सिंस आपके पास नेगेटिव चार्ज है, आपके पास एक गुड लिविंग ग्रुप है, तो साइक्लाइजेशन होने के चांसेस होते हैं। ओके, इट विल डू साइक्लाइजेशन, और साइक्लाइजेशन कैसे होगा, 1 2 3 4, और Br निकल जाएगा और आपको क्या मिलेगा आंसर में, यू विल गेट दिस प्रोडक्ट। और करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर डी। देखिए, ब्रोमीन तो यहाँ से चला जाएगा, मेन ऑप्शन यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, एक्वेस एनएच क्या करेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पे साइक्लाइजेशन किए, क्लोरीनेशन, क्लोरीन ऐसे कैसे, क्लोरीन को कुछ नहीं करना है, यहाँ पे क्लोरीन को हटा है, तो दिस विल बी नॉट करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे देखिए, तीनों में साइक्लाइजेशन किया है, तीनों में साइक्लाइजेशन किया है, लेकिन यहाँ पे ब्रोमीन हटाया है, यहाँ पे ब्रोमीन नहीं हटा है, तो दिस विल बी रॉन्ग आंसर। अभी क्वेश्चन बनता है कि 4 मेंबर बनेंगे कि 5 मेंबर, सिंस यहाँ पे एक OH यहाँ पे अटैक कर रहा है, तो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर, नॉट दिस। और यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेन बन जाता है रिंग पे। ओके, दिस विल बी लेस स्ट्रेन, ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट का रेडिकल मैकेनिज्म से कैसे जनरेट हुआ एक Br, सेकेंड में कैसे यहाँ पे दो Br जनरेट हुए, मीन दो ब्रोमिनेशन हुए, सेकेंड में SN2 हुआ, मीन्स OH माइनस यहाँ से अटैक करके OH बना, और फिर से एक प्रोटोन डीप्रोटोनेशन हुआ, प्रोटोन निकल गया, फिर यहाँ से अटैक करके आपकी रिंग बनी 5 मेंबर की। और करेक्ट ऑप्शन इज योर डी ऑप्शन, ओके, जो कि रिंग बने। तो क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे SN2 का कॉम्बिनेशन मीन्स रिएक्शन मैकेनिज्म, साथ ही साथ रिएजेंट यूज़ किया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन सिक्वेंस स्टार्टिंग विद मोनोटर्पिन अल्फा पाइनिन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो इसके लिए आपको अल्फा पाइनिन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, तभी आगे की रिएक्शन होगी। तो अल्फा पाइनिन का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, यहाँ पे देखिए, अल्फा पाइनिन रिएक्ट विद अल्कलाइन KMnO4, पिकोनिक एसिड मिलेगा, फिर इसका ब्रोमीन इन हेलो, सो यहाँ पे अल्कलाइन KMnO4 का यूज़ किया, पिकोनिक एसिड मिला, फिर इसका मीन्स ब्रोमीन विद बेस, जनरली आइडोफॉर्म की तरह रिएक्शन है, उसको हम ब्रोमोफॉर्म भी बोल सकते हैं। हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ बेस आपका एसिड में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए, ए क्या है, ए एज अ डाई सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड, ओके, इट इज़ अ ट्राई सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड, और हैड एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड। अगर आपको अल्फा पाइनिन का स्ट्रक्चर पता है, आप डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते हैं। देखिए, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा पाइनिन। अभी इसमें देखिए, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, रिंग के बाहर नहीं है, ओके, सो दिस विल बी रॉन्ग। इट इज़ डाई सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड, नो, बिकॉज ये एक सब्स्टिट्यूशन है, ये एक सब्स्टिट्यूशन है, ये एक सब्स्टिट्यूशन है, सो इट इज़ अ ट्राई सब्स्टिट्यूट डबल बॉन्ड। तो ये ऑप्शन चला गया, ये ऑप्शन चला गया, तो करेक्ट आंसर क्या है, ये वाला। अगर बस आपको अल्फा पाइनिन का स्ट्रक्चर भी पता होता तो आप डायरेक्टली आंसर करेक्ट कर देते। तो आगे का भी रिएक्शन हम कंप्लीट कर देते। अल्कलाइन KMnO4 दिया है, सो अल्कलाइन KMnO4 क्या करेगा, सिंस इट इज़ जनरली कोल्ड KMnO4 या डाइल्यूट KMnO4 डायोल बनाता है, ओके, और एसिडिक और जनरली बेसिक आपका एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और सिंस यहाँ पे एसिड है, आपको एसिड बनाना है, तो यहाँ पे क्या करना है, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, ओके, डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है और यहाँ पे कीटोन बनाना है इस तरह से, COH OH, आई थिंक करेक्ट है क्या, 1 2 1 2, आई थिंक यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा इस कार्बन पे। मैं थोड़ा इसको रिड्रॉ करता हूँ, आपको बस यहाँ पे ब्रेक करके यहाँ पे दोनों पे ऑक्सीडेशन करना है, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, सी डबल बॉन्ड ओ, ये एक कार्बन, ये वाला 1 2 2 COH, इस तरह से आपको कुछ तो बनेगा। इसके बाद आप NaOH Br2 करोगे, मीन्स ये ब्रो आइडोफॉर्म जैसी रिएक्शन होगी, तो इसमें क्या ऑलरेडी एसिड है, तो ये भी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको क्या एंडिंग में प्रोडक्ट मिलेगा, ये 4 मेंबर रिंग है,
यू विल गेट दिस मिथाइल कीटोन है क्या, देखिए बी इज अ मिथाइल कीटोन, यस दिस इज अ मिथाइल कीटोन, ओके दिस इज योर मिथाइल कीटोन, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है और यहाँ पे कीटो, दिस इज अ मिथाइल कीटोन, सी इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें क्या होगा सी एच टू सी ओ एच बनेगा और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ओके सो इट इज अ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, सो करेक्ट आंसर इज ए। तो मैं पूरा रिएक्शन करके बता रहा हूँ ताकि पूरा आपको आंसर का आइडिया मिल जाए, नहीं तो डायरेक्टली आप अल्फा पाइनिन के स्ट्रक्चर से ही बता सकते थे। ओके सो करेक्ट आंसर देखिए अल्फा पाइनिन इज दिस अल्कलाइन के एम एन ओ फोर के ट्रीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा पिकोनिक एसिड, जहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड है ये मिथाइल कीटोन है आपका, दिस इज अ मिथाइल कीटोन, फिर इसको इन प्रेजेंस ऑफ बेस आपका ब्रोमीन ट्रीट कर रहे हो तो यहाँ पे देखिए इसका आपका मिथाइल कीटोन का ट्रांसफर एसिड में होता है, जनरली आइडोफॉर्म जैसी रिएक्शन होती है इसमें। ओके नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, ये अच्छा एग्जांपल है रिएजेंट अलोंग विद रिएक्शन मैकेनिज्म, सिंस एमसीपीबीए यहाँ पे दिया है तो एमसीपीबीए क्या करेगा इपॉक्सीडेशन करेगा, तो इपॉक्सीडेशन की पोजिशन क्या है दिस विल बी योर इपॉक्सीडेशन। ओके तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, तो कहाँ पे आपको दिख रहा है कि इपॉक्सीडेशन के बाद आगे कुछ हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे कीटोन बन रहा है, यहाँ पे भी कीटोन बन रहा है, यहाँ पे अल्कोहल बन रहा है, एक्चुअली ये टॉटोमरिक फॉर्म ही इसका बनाया है, ओके टॉटोमरिक फॉर्म ही बनाया है इसका, ही टॉटोमरिक फॉर्म ये बनाया है, ओके और ये वाला अल्कोहल है। तो अभी देखते आपका मेन जो पार्ट होगा, अगर आपको एमसीपी पे पता है आपका आधा आंसर आ गया इपॉक्सीडेशन बनाया, अभी क्वेश्चन इपॉक्सीडेशन के बाद क्या होगा। ओके सिंस आपका बी एफ थ्री एक लुईस एसिड होता है, ये क्या करेगा अभी बी एफ थ्री इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है और ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर होते हैं, तो एक लोन पेयर लुईस बेस की तरह काम करके आपका ऑक्सीजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा और आपको क्या मिलेगा बी एफ थ्री मिलेगा। ओके बी एफ थ्री मिला पॉजिटिव चार्ज, अभी यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन आपका थ्री मेंबर हो गया और जैसे ही जनरली ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है तीन बॉन्ड बनाएगा तो अनस्टेबल होगा, तो क्या करेगा यहाँ पे एक बॉन्ड उठा के वापस ले लेगा। अभी दो ऑप्शन है, आप यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हो, वन पोजिशन या टू पोजिशन। अभी यहाँ पे जो कार्बोकेटन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक होगा, अगर आप फर्स्ट पोजिशन से बॉन्ड ब्रेक करते हो तो आपको इस तरह से कुछ मिलेगा, ओके कार्बोकेटन यहाँ पे कार्बोकेटन बनेगा, सेकंड पे ब्रेक करोगे तो यू विल गेट डिसकार्बोकेटन ओ बी एफ थ्री समथिंग मिलेगा। अभी यहाँ पे क्या देखिए रिंग है, यहाँ पे रिंग है तो क्वेश्चन आता है कौन सा मेजर बनेगा कौन सा माइनर बनेगा, तो दिस विल बी मेजर एंड दिस विल बी माइनर, क्योंकि ये थोड़ा स्टेबलाइज है ड्यू टू कॉन्जुगेशन विद बेंजीन रिंग। ओके तो ये रिएक्शन में आगे जाएगा, अभी रिएक्शन में आगे जाके क्या प्रोडक्ट बनाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ओके सो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका इपॉक्सीडेशन बना, नेक्स्ट स्टेप में आपका बी एफ थ्री बना और बी एफ थ्री आपका लुईस एसिड है सो इट विल एक्सेप्ट द लोन पेयर फ्रॉम ऑक्सीजन एटम और आपके दो टाइप के कंपाउंड मिलेंगे, और इसमें अभी हमने बताया कि ये कॉन्जुगेशन में हो सकता है स्टेबलाइज हो सकता है एज कम्पेयर टू दिस, तो ये बेंजीन बनता है। ओके तो इसके बाद क्या होगा बेंजीन बनने के बाद यहाँ पे क्या होगा, अब ये बेंजीन बना सिंस ये यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो सकता है, ओके यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट होकर टर्शरी कैटायन बन सकता है और ये कैटायन इधर आके स्टेबलाइज हो सकता है, इसका रीज़न क्या हाइड्रोजन शिफ्ट होने का, ये हाइड्रोजन जाके यहाँ पे शिफ्ट होगा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो शिफ्ट होने का रीज़न क्या है ये बैक डोनेशन देके दो लोन पर बैक डोनेशन देके इसको ये स्टेबलाइज भी कर सकता है। ओके और इसके बाद क्या होगा जैसे ही यहाँ पे स्टेबलाइज करेगा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा और डबल बॉन्ड कैरेक्टर आने के बाद यहाँ पे ऑक्सीजन के तीन बॉन्ड हो गए, अभी क्या करेगा बोरॉन का बॉन्ड ब्रेक करेगा और आपको अपना डिज़ायर कीटोन मिल जाएगा। ओके तो ये रीअरेंजमेंट जनरली आपको प्रोडक्ट देख के आपको मैकेनिज्म आगे वाला डिसाइड करना है, तो देखिए यहाँ पे भी आपको अल्कोहल नहीं मिल रहा है, ओएच अटैक नहीं कर रहा, आपको कीटोन मिल रहा है। ओके तो जनरली आप देख सकते हैं अल्कोहल के लिए हाइड्रोजन नहीं एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, यहाँ पे आपको इस पोजीशन पे मिल रहा है, तो आपको एक बार ऑक्सीजन वहाँ पे अगर आपका ऑक्सीजन इस पोजीशन पे आ गया सेकंड पोजीशन पे ये वाले पोजीशन, तो आपको बस एक बार इसके साथ मैच करके देखना है कि कौन से ऑप्शन में आपका मैच हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपका चला गया आपका सी ऑप्शन चला गया सो आपको बी ऑप्शन और डी ऑप्शन का प्रोडक्ट लाना पड़ेगा। ओके सो आप देखिए दिस इज अ इनोल फॉर्म एंड दिस इज अ कीटो फॉर्म, तो दोनों वन एंड सेम थिंग है, बस कीटो फॉर्म जनरली ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू योर इनोल फॉर्म। ओके तो यहाँ पे इसको आप इनोल फॉर्म में बोलोगे तो यहाँ पे एक ओएच आ जाएगा और कुछ नहीं। ओके सो दिस इज व्हाट विल गेट योर आंसर। ओके तो आपको प्रोडक्ट देख के भी अंदाज़ा लगाना चाहिए कि ऑक्सीजन कहाँ पे गया, एक बार रीअरेंज होकर ऑक्सीजन वहाँ पे चला गया तो वापस उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, तो एक ही बार उसका मीन्स बॉन्ड ब्रेक होने के बाद ये पोजीशन उसकी फिक्स होगी,
एक बार पोजीशन फिक्स होगी, आप प्रोडक्ट पे जाके देख सकते हो कि कहाँ पे ऑक्सीजन की पोजीशन फिक्स है, वही आपके उसके बाद उसको वर्कआउट करना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। या दिस इज़ अ क्वेश्चन, सो डायबल इज़ अ रिड्यूसिंग एजेंट, ओके इसके बाद आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज़ किया और बाद में पीसीसी यूज़ किया, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑक्सीडेशन है, देन बॉन्ड मेकिंग है, बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ओके बॉन्ड मेक होगा यहाँ पे, रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन, तो तीनों कॉन्सेप्ट यूज़ किए। तो यहाँ पे जनरली देखिए सब जगह आपको ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट मिलेगा, कीटो प्रोडक्ट है, एल्डिहाइड है, कीटो है, तो आप यू विल गेट कन्फ्यूज कि कहाँ पे आपको रिड्यूसिंग करना है, कहाँ पे ऑक्सीडेशन करना है। तो फर्स्ट स्टेप यूज़ डायबल, तो डायबल क्या करता है, इस कीटो को रिड्यूस कर देगा, किसमें, अल्कोहल में। ये पार्ट को मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगा ऐसे, बिकॉज इसका यहाँ पे काम नहीं है, देखिए सब रिंग यहाँ पे ऐसे की ऐसे, तो यहाँ पे इनका कुछ रोल नहीं, बस स्ट्रक्चरल रोल है। इसके बाद क्या होगा, ये लोन पेयर ध्यान से देखिए, ये लोन पेयर इस तरह आएगा और यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा। अभी जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा बना देता हूँ OH O नेगेटिव, ओके और क्या करेगा, ये O नेगेटिव इस H को ले लेगा और आपको क्या मिलेगा, H OH, ओके मतलब आपकी रिंग ओपन हो गई। तो फर्स्ट स्टेप यू विल गेट एल्डिहाइड और इसके बाद आपका क्या आएगा, CH2MgBr। अब ये कहाँ पे अटैक करेगा, सिंस इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, सो ये कहाँ पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे, ओके बिकॉज यहाँ पे आपको आगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी अटैक कराना है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहाँ पे अटैक करता है, जनरली नेगेटिव चार्ज होता है, तो उसको पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैसे क्रिएट कर सकते हो, वाई यूजिंग रिंग ओपनिंग रिएक्शन, ओके सो रिंग ओपनिंग रिएक्शन होगी और इसके बाद क्या होगा, आपका ओ नेगेटिव कार्बन का बॉन्ड बनेगा, OH बन जाएगा, ओके बाद में इसका ये ओ नेगेटिव इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको एक नया कार्बन कार्बन बॉन्ड मिलेगा, OH मिल जाएगा। इसके बाद क्या करना है, जस्ट आपको PCC डालना है, तो PCC क्या करता है, PCC ऑक्सीडाइज करता है, ओके ये एलाइलिक अल्कोहल है, ये एक नॉर्मल सेकेंडरी अल्कोहल है, ओके तो ये क्या करेगा, दोनों को भी ऑक्सीडाइज कर देगा, सो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। बस आपको अल्कोहल कितने आने चाहिए बनाने पे, ये मेन है। तीनों प्रोडक्ट में देखिए, तीनों बी में, सी में और डी में यू विल गेट ओनली वन कीटो, लेकिन ए में ऐसे ही जहाँ पे दो बार ऑक्सीडेशन हुआ है, ओके सो करेक्ट आंसर इज योर ए, बाकी तीनों आपके गलत है इस केस में, ओके सो दिस इज हाउ योर आंसर, तो करेक्ट आंसर इज योर ए। फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पे रिड्यूस कर देगा, थर्ड स्टेप में जनरली इसको लैक्टोन ही बोलते हैं, साइक्लिक एस्टर को लैक्टोन बोलते हैं, तो लैक्टोन आपका एसिटाल में कन्वर्ट होता है, मींस ये आपका, अगर आप इसको भी देखो इस तरह से, ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, OH यहाँ पे अटैक करेगा, ओ नेगेटिव आ जाएगा, ओके ओ नेगेटिव आने के बाद यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करके रिंग क्लोजिंग, तो दिस इज रिवर्सिबल रिएक्शन, ओके तो इसके बाद क्या, आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आके यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाएगा और नेक्स्ट स्टेप में आपका PCC आपको यहाँ पे दोनों तरफ कीटोन दे देगा, ओके सो दिस इज़ अबाउट दिस वीडियो, ओके अगर आपको वीडियो पसंद आए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।